मुंबई कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे ये लोग कांग्रेस के ही कार्यकर्ता हैं, जो इंटॉप हिल के तेज तर्रार नगर सेवक सुफियान वनू के नेतृत्व में रास्ते पर उतरे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर गोंडी और भिवंडी जैसे कई सीटें देने का विरोध कर रहे हैं। सुफियान वानू का कहना है कि जो कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते रहे हैं, वह अब चुनाव में साथ साथ कैसे झंडा लेकर चल सकते हैं। सुफियान वानू की मांग है कि गोंडी भिवंडी जैसी सीटों पर कांग्रेस को खुद का उम्मीदवार खड़े करना चाहिए। ये हुआ है कि पिछले 10 सालों में गोंडी की हालत बहुत ख़राब हो गई है। कारपोरेटर्स हैं, वो झूठी शिकायत कर करके लोगों के पैसा मिलता है तो ठीक है, नहीं तो तोड़वा देते हैं मकान। नशावर चीज़ें जो है बड़ी तेज़ी के साथ बिक रही हैं, कत्ल खून भारत गरी गना ये चीज़ें बड़ी आम होती जा रही हैं। लोगों को हर तरह की तकलीफ है, लोगों को बहुत सारी शिकायतें हैं। इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी जो पिछले 10 सालों से लगातार लड़ती रही है उनके वर्कर्स के साथ उनके साथ, अब कल आप बोलेंगे कि उनका झंडा उठा करके हम समाजवादी पार्टी जिंदाबाद बोले, वो चलेगा नहीं। पार्टी को जिंदा रखने के लिए, पार्टी को मजबूत करने के लिए हमें पार्टी के मानने वाले आदमी को लड़ाना है, पार्टी के कांग्रेस के हाथ के पंजे के ऊपर लड़ाना है। ये लोगों की मांग है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने पिछले 10 सालों में वो कारपोरेटर भी उन्हीं के, एमएलए भी उन्हीं का, एमपी 12 कभी इनका कभी उनका, शिवसेना का बीजेपी का रहा। तो कांग्रेस पार्टी ख़त्म हो जाएगी गोंडी में, और इस तरह से जो नॉर्थ ईस्ट का अपना जिला है वो भी कमज़ोर पड़ेगा। देखिए प्रॉब्लम्स तो बहुत है और गोंडी में कांग्रेस बहुत मजबूत है, उसके बावजूद अलायंस ये हमारे समझ के बाहर है। गोंडी में आप एमपी के इलेक्शन में 80,000 वोट कांग्रेस के बलबूते पे ही मिला एनसीपी को, और उसके बाद भी अलायंस होना ये हमारे समझ के बाहर है। तो हम लोगों ने यही सारी पार्टी ने फैसला लिया है कि इस अलायंस के खिलाफ हम लोग यहाँ आए हैं एमआरसीसी में, और ये उम्मीद करते हैं कि अलायंस ना हो। असल में गोंडी की पब्लिक अबू आसिम आजमी से नाराज़ है, क्योंकि अबू आसिम आने के बाद ये 10 साल में वहाँ चरस गांजा अफीम इसके धंधे बहुत बढ़ गए, और 10 साल में उन्होंने कुछ काम नहीं किया। और जब कांग्रेस के टाइम पे जब कांग्रेस के आमदार थे तो जो काम हुआ है वही काम हुआ है, समाजवादी ने कुछ काम नहीं किया। जबकि कांग्रेस के नगर सेवक थे तो काम हुआ था, वही काम हुआ है आज समाजवादी के नगर सेवक। अबू आजमी का एक आवाज़ पे सारा गवंडी खड़ा हो जाए? जी नहीं, ये गलत बात है, या आपकी समझ गलत है और लोगों की समझ है, क्योंकि वो पेट परस्त है, कौम परस्त नहीं है। गोवंडी के अंदर नशा तो है ना, गत 10 सालों के अंदर नशा इतना प्रमाण में बढ़ गया, उसका कोई ये नहीं है। आज छोटे 5 साल से बच्चे से लेके बुजुर्ग और जवान तो पूरे उस नशे के अंदर डूब चुके हैं, और उसके अंदर नशा के लिए जो सबसे ज़्यादा मैं ये करूँगा तो उसका पूरा एक से अबू आसिम आजमी को जाता हूँ, क्योंकि उसके कारकिर्द के अंदर उनके नगर सेवक को ही उसके अंदर इन्वॉल्व है। ऐसे बहुत से जिनके ऊपर कार्रवाई भी होती है तुरंत उनको छुड़ाया भी जाता है। पूर्व गृह निर्माण मंत्री प्रोफेसर जावेद खान साहब हमारे साथ है, और मानपुर शिवाजी नगर के सारे ब्लॉक अध्यक्ष, सारे पदाधिकारी, चाहे किसी भी सेल से ताल्लुक़ रखते हो, वो यहाँ पर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष से मिलने के लिए आए हैं। और हमारा सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि समाजवादी से अलायंस क्यों। मैं तीन चीज रीज़न आपको बताऊँगा। सबसे पहला रीज़न, समाजवादी का अस्तित्व है, उसका वजूद है उत्तर प्रदेश में। जब उत्तर प्रदेश में हमारा समाजवादी के साथ अलायंस नहीं है, जब हम वहाँ उनसे अलग चुनाव लड़ते हैं और लड़ रहे हैं, अभी भी 12 असेंबली के चुनाव हैं, तो फिर महाराष्ट्र में उनके साथ में अलायंस क्यों। कि जहाँ पर जिसका समाजवादी का कोई अस्तित्व नहीं, पिछले 2014 के चुनाव में समाजवादी को पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ महाराष्ट्र के 8 करोड़ वोटरों में से सिर्फ 94,000 वोट मिले थे, मतलब 1% से भी कम, यानी उनका कोई अस्तित्व नहीं। वहाँ पर आप उनके साथ अलायंस क्यों कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है हमारे जो वरिष्ठ है कि 2019 का लोकसभा का चुनाव हमारे सामने गया, अभी 6 महीने पहले गया, समाजवादी और बसपा दोनों का अलायंस था, दोनों का कैंडिडेट था, दोनों के कैंडिडेट को गोवंडी विधानसभा के अंदर 7,800 वोट मिलते हैं, सेना भाजपा को 36,200 मिलते हैं, कांग्रेस एनसीपी को 79,482 वोट मिलते हैं, तकरीबन 80,000, बीजेपी से 44,000 की लीड
अगर वो लीड समाजवादी से गिनी जाए तो 80,000 की लीड, मतलब 80,000 से जो जिस विधानसभा में हम प्लस में है समाजवादी से, वो सीट समाजवादी को क्यों? दूसरी बात कि अगर समाजवादी को आप अलायंस कर रहे हो, आप गोवंडी दे रहे हो, बाइकला दे रहे हो, गोवंडी मैंने बताया 44,000 प्लस है, बाइकला 33,000 प्लस है, भेवंडी 62,000 प्लस है, मतलब सारी प्लस वाली सीटें आप उठा के समाजवादी को दे रहे हो, तो समाजवादी से आपको क्या मिल रहा है, क्या रीज़न है? पार्टी का तो कोई हित फायदा नहीं नज़र आ रहा है इसमें, तो व्यक्तिगत उनको कुछ लोगों का फायदा हो सकता है, पार्टी का तो कोई हित नहीं है। तीसरा अहम सवाल कि पिछले 10 साल समाजवादी के विधायक वहाँ पर थे, हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं ने उनके लिए, उनके विरोध में कांग्रेस का झंडा उठाते हुए लाठियां खाई है, पुलिस स्टेशन गए हैं, यहाँ पर हमारा एक प्रवक्ता है बेचारे को 70 टाके लगे हैं, हाँ लोग कोमा में रहे हैं, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता, कोई इनको तनख्वाह नहीं मिलती थी, कोई इनको पगार नहीं मिलता था, ये सिर्फ कांग्रेस के लिए अपना तन मन धन अपना खून निछावर किया है, और आज चुनाव के वक्त में आप इनको बोलो कि जिसके विरोध में आपने मोर्चा संभाला है उसका झंडा उठा के उसके लिए वोट मांगो, अब अलायंस हो गया है, तो इसका ज़मीर क्या मर गया है, इसके जान पे क्या बीतेगी? हमने जहाँ जहाँ चुनाव लड़ना छोड़ दिया वहाँ संगठन हमारा ख़त्म हो गया। आप पकड़ के चले, वाशी एक मरतबा कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, आज वहाँ पे कांग्रेस के लिए लड़ाने के लिए उम्मीदवार नहीं है, मुमरा कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, अलायंस के नाम पे एनसीबी को दे दिया, 2014 में अलायंस टूटा, लड़ाने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, उम्मीदवार हम ढूंढ रहे थे, जहाँ जहाँ हमने अलायंस के नाम पे छोड़ दी सीट, वो संगठन वहाँ पे ख़त्म हो गया। तो अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर भी वो सीट जो 80,000 वोट आपको 2019 की आंधी में दे सकती है, वो सीट अगर आप अलायंस में छोड़े हो, इसका मतलब आप संगठन को ख़त्म करना चाह रहे हो। हम अपनी आवाज़ मुंबई कांग्रेस से लेके दिल्ली कांग्रेस तक पहुँचाना चाहते हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस तक, के कौन लोग हैं, उनका क्या षड्यंत्र है, उनकी क्या उम्मीद है, उनकी क्या ये है, क्या मंशा है कि वो कांग्रेस के संगठन को खत्म करते हुए एक डूबते सूरज को, समाजवादी तो आज की तारीख में डूबता सूरज है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस में दो गुट हो गई है? गुट की बात नहीं है, ये चीज सिर्फ कांग्रेस के अंदर है। आप देखिए, आप भाजपा में चले जाएं, सेना में चले जाएं, स्पेशली मैं भाजपा की बात करूं, दो लोग बोलते हैं बाकी सब सुनते हैं, ये कांग्रेस की देन है कि हर एक छोटे से कार्यकर्ता को, जमीनी स्तर के कार्यकर्ता को भी अपनी बात रखने का अधिकार है। हमारा मतभेद हो सकता है, मनों में भेद हमारे बिल्कुल नहीं है, हम सब कांग्रेसी है और हम सब सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के नेतृत्व पे पूरा यकीन रखते हैं, लेकिन आवाज़ उन तक पहुंचाना ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम कांग्रेस का झंडा उठा के चलते हैं ज़मीन में गली में, तो गली में जो बात चलती है वो दिल्ली तक पहुंचाना एज अ कांग्रेस कार्यकर्ता हमारा जो कर्तव्य है वो हम निभा रहे हैं। बाकी पार्टी हाईकमान के ना विरुद्ध में है ना उनके खिलाफ है, अपनी बात रखने का एक लोकतंत्र में अधिकार है, उस अधिकार को हम यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।